बेटा, आजकल हम लोग स्यूडो फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल सीख रहे हैं कि कितनी तरह से पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो स्यूडो फोर्स, जब कोई ऐसा सराउंडिंग मीडियम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट कर रहा हो, जैसे कार अर्थ पर एक्सीलरेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, या कार किसी टर्न पर मुड़ रही है उसकी वजह से उसमें एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, या कार के ड्राइवर ने ब्रेक यूज किया है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, या एग्जाम्पल लिफ्ट का। लिफ्ट स्ट्रिंग से हंग है और ये या तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है या नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है, या इसकी स्ट्रिंग टूट जाए और ये फ्रीली फॉल करने लगे। अर्थ के रेस्पेक्ट में जितने भी मीडियम या प्लेटफॉर्म, या जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, वो अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसमें किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को आपको समझाने के लिए एक ऐसा फोर्स जिसका आप सोर्स नहीं बता सकते, जो एक्चुअली है नहीं लेकिन उसको कंसीडर किए बिना आप उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और आप उसकी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्यूडो फोर्स जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हमें कंसीडर करना पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो ऑब्जर्वर, जैसे मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को देख रही हूँ और अगर मैं उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ, जैसे लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बिहेवियर को मैं देख रही हूँ और मैं लिफ्ट के अंदर हूँ और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो मैं भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और वो ऑब्जेक्ट भी, तभी मुझे स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिसे हम नॉन इनर्शियल कह रहे हैं, बाहर हूँ, तो हमें वो स्यूडो फोर्स रीजनेबल नहीं लगेगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पे एक बॉल एक स्ट्रिंग की हेल्प से बंधी हुई थी और फिर वो प्लेटफॉर्म घूमने लगता है और उसके बाद उस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं और हम फिर बॉल के बिहेवियर को एक ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पर है उसके नज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं और एक ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा हुआ उसके नज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो आज इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है ना, पसंदीदा सवाल स्यूडो फोर्स पर और इजी। लिफ्ट ऑफ 400 kg इज हंग बाय अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से ये लिफ्ट सस्पेंडेड है, ठीक है। कंडीशंस चार, अगर वो रेस्ट पर है, इफ द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 1 m/s, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद 2 m/s² और लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन विद 2 m/s², इन ऑल दीज फोर केसेस फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ध्यान ये रखना है बच्चों कि हम इस लिफ्ट के अंदर हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, हम इक्वेशन बना रहे हैं, हम बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तब ही ये सारा कुछ जस्टिफाइड है। इस पर हम डिटेल में और भी बात करेंगे, धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे नेचर के सीक्रेट्स को। तो अब ये एक स्ट्रिंग है और ये लिफ्ट है। लिफ्ट का जो वेट है वो हम लिफ्ट के सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ कहीं है और यहाँ से उसका जो वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है 400 g, वो एक्ट कर रहा है। अब जब ग्रेविटी नीचे की ओर लिफ्ट को पुल करेगी तो लिफ्ट स्ट्रिंग को नीचे पुल करेगी, तो स्ट्रिंग लिफ्ट को ऊपर पुल करेगी, तो स्ट्रिंग का फोर्स, रिएक्शन फोर्स यहां पर एक्ट करेगा इस तरीके से और इसको हम कहेंगे टेंशन फोर्स। तो ये जो लिफ्ट है इस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक ग्रेविटी का पुल और एक इस लिफ्ट स्ट्रिंग का पुल ऊपर की ओर। तो दो फोर्सेस के अंडर में ये लिफ्ट अगर रेस्ट पर है, पहला केस, तो देखो क्या होगा। अब लिफ्ट अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब कि जो फोर्स नीचे लग रहा है और जो फोर्स ऊपर लग रहा है
वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए ना तो लिफ्ट नीचे इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर पा रही है और ना ऊपर इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में। तो हम कहेंगे कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट टी इज इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट, देन टेंशन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 400 G और टी इज इक्वल टू 4000 N। दिस इज आंसर नंबर वन, सिंपल। सेकेंड केस देखो, लिफ्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 1 m/s। तो देखो अब कैसे एनालाइज करेंगे, अब लिफ्ट 1 m/s की स्पीड से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो हम सेकेंड लॉ लगाएंगे न्यूटन का। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स टेंशन ऊपर की ओर, 400 G नीचे की ओर। अब अगर मैं मान लूं कि टेंशन ऊपर की ओर है तो टी माइनस 400 G अगर नेट फोर्स हो तो ये हो जाएगा इसका मास 400 इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी 1 m/s से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, तो आप एक्सेलरेशन को लिखोगे 0। तो इसका मतलब कि टी माइनस 400 G इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू 4000 N वंस अगेन। मतलब अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0, सो टेंशन इज अगेन 4000 N। ये भी केस सिंपल था, लेकिन इसके पीछे के बैकग्राउंड के लॉजिक को बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान रखना भी है। अब इस क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है और 400 G ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर लग रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो 2 m/s² से एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की ओर। अब फिर से हम सेकेंड लॉ लगाएंगे, देखो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे नेट फोर्स टी माइनस 400 G इज इक्वल टू 400 × 2 m/s². और इस तरीके से जो टेंशन फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा 800 + 4000, दैट इज 4800 N। लेकिन अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, अब तुमको मैं एक्चुअल सिचुएशन में पहुंचा देती हूं। एक लिफ्ट है, चारों तरफ से बंद है, आप उसके अंदर हो, ठीक। लिफ्ट जब चलती है तो एक झटका लगता है, तब आपको समझ आता है कि लिफ्ट चल रही है। लेकिन अगर लिफ्ट चल रही होती है ऊपर की ओर और आप अब ऑब्जर्व करना, आप बिल्कुल महसूस नहीं करते हो कि लिफ्ट चल रही है, तो आपको ये एक्सेलरेशन फील नहीं होगा, आपके लिए ये एक्सेलरेशन विजिबल नहीं है। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो और आपके साथ आपका दोस्त अंदर खड़ा है, तो आप क्या कहोगे, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है या आपका दोस्त ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है। लिफ्ट की पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में बदल नहीं रही है, आपके लिए लिफ्ट रेस्ट पर है। अब तुम कहोगे ये कैसे, मैं मुझे तो पता है ना कि मैं फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जा रहा हूं, ओके, अर्थ पे हो। तुमको अब फिजिक्स ने बता दिया है कि भाई अर्थ चल रही है, लेकिन तुम अर्थ पर खड़े होते हो, तुम अपने आसपास के पेड़ पौधों को, बेड को, टेबल को, खिड़की को चलता हुआ बोलते हो, तुम्हें पता है कि अर्थ चल रही है, लेकिन क्योंकि तुम अर्थ पर हो तो तुम्हारे लिए पेड़ पौधे अर्थ सब कुछ रेस्ट पर है। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट ऊपर सैटेलाइट से देखेगा तो क्या वो भी कहेगा कि तुम खिड़की, दरवाजे, पेड़ पौधे सब रुके हुए हैं? ना, वो कहेगा चल रहे हैं।
वो कहेगा कि अर्थ सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है और अर्थ तो एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स द इलिप्स, सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो ये है आप जब किसी एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है जैसे अर्थ पर और बाहर है जैसे सैटेलाइट में, तो आपका ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। क्योंकि लिफ्ट के बाहर खड़े होकर आप लिफ्ट को आराम से रोजमर्रा की जिंदगी में ऊपर नीचे जाते देखते हैं, तो जब आप अंदर रहते हैं तो आपका दिमाग को पता रहता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हो। लेकिन अगर कोई बंदा अंदर है और उसने कभी भी लिफ्ट से बाहर कदम न रखा हो, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसे सिर्फ जर्क के समय महसूस होगा कि लिफ्ट में कुछ हुआ। इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि लिफ्ट एक्चुअली क्या कर रही है। तो हम उस अनदेखे ऑब्जर्वेशन को इमेजिनेशन के थ्रू उसको विजुलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशंस जब आप टेक्निकली आगे बढ़ेंगे तो इन सिचुएशंस में जो कंडीशंस आ रही हैं स्यूडोफोर्स की, वो आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप लिफ्ट के अंदर हो, ठीक, आप लिफ्ट के साथ चल रहे हो, आपके रेस्पेक्ट में लिफ्ट रेस्ट पर है, जैसे ही आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सिलरेट कर रहा है या चल रहा है, जैसे ही आप ऐसे किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होते हैं जैसे अर्थ पर हैं, तो अर्थ का चलना आपको फील नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के आपके नीचे की जमीन आपके रिस्पेक्ट में अपनी जगह नहीं बदल रही है, तो आपके लिए वो रेस्ट पर है। तो उसी तरह से जब आप लिफ्ट के अंदर हो, तो अब ये मत ध्यान करो कि तुम बाहर थे और तुमने लिफ्ट को ऊपर जाते देखा। तुम जब लिफ्ट के अंदर हो तो लिफ्ट तुम्हारे रिस्पेक्ट में अपनी जगह नहीं बदल रही है, तुम्हारे लिए लिफ्ट रेस्ट पर है। तो तुम्हारे लिए ये सिचुएशन ट्रू है, ये तुम्हारे लिए टेंशन होना चाहिए 4000 न्यूटन। तुमने टेंशन मेजर किया, तुम्हारे रिस्पेक्ट में लिफ्ट चेंज नहीं हो रही थी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही थी, तो तुम्हारे हिसाब से टेंशन को 4000 न्यूटन होना चाहिए था। लेकिन हकीकत में जब तुमने अपने इंस्ट्रूमेंट से टेंशन को मेजर किया, अब लिफ्ट में खड़े रहकर कैसे मेजर किया इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जब हम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सिलरेट कर रहा है अंदर हों, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हों, तो समस्या क्या आती है। अगर तुम लिफ्ट से कभी बाहर नहीं गए थे तो तुम्हारे हिसाब से टेंशन और mg को बराबर होना चाहिए था, क्योंकि लिफ्ट तुम्हारे हिसाब से रेस्ट पर थी, तो तुम्हारे हिसाब से टेंशन की वैल्यू आनी चाहिए थी 4000 न्यूटन। लेकिन जब तुमने मेजर किया तो टेंशन की वैल्यू आई 4800 न्यूटन। तो तुमको समझ नहीं आया कि ये 800 एडिशनल कहां से आया। तो जो बंदा इस लिफ्ट के अंदर है उसको क्या लगेगा कि जब ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की ओर और टेंशन आ रहा है 4800 न्यूटन, तो तुमने पूछा, सोचा कि ये 800 न्यूटन एक्स्ट्रा कहां से आया। तो ये हुआ कि बाहर से किसी ने तुमको बताया कि एक्चुअली तुम जिस लिफ्ट में हो वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, तो तुमको ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती लिफ्ट में ये समझ आएगा कि इसका मतलब है कि टेंशन सिर्फ 400 g वेट नीचे की ओर ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो उसको एक एडिशनल फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ठीक उल्टा एक्सपीरियंस होने लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है m into a, मतलब 400 into 2, That is 800 न्यूटन्स। तो तुम कहोगे कि अच्छा, अगर ए एक्सेलरेशन से कोई लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब लिफ्ट पर एक एडिशनल फोर्स नीचे की ओर लगने लगता है m into a। कहां से लग रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये लग रहा है, जिसकी वजह से टेंशन 4000 न्यूटन ना आकर 4000 + 800 इतने न्यूटन्स आ रहा है। तो तुम कहोगे कि
टेंशन इज इक्वल टू नॉट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स बट ऑल्सो अ स्यूडो फोर्स एम ए. देन यू विल से दैट टी इज 4000 न्यूटन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस 800 न्यूटन ड्यू टू स्यूडो फोर्स. सो फॉर यू 4800 इज जस्टिफाइड व्हेन यू आर कंसीडरिंग दिस एडिशनल फोर्स बिकॉज फॉर यू दिस लिफ्ट इज एट रेस्ट. फॉर यू लिफ्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू यू. तो तुम्हारे हिसाब से तो टी को 4000 न्यूटन होना चाहिए था, लेकिन एक्सेलरेशन की कंडीशन में तुमने कहा कि भाई पता नहीं कहां से ये ऐड हो रहा है और मेरे मेजरमेंट में ये 4800 आ रहा है. तो इसका मतलब एक स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है. तो तुम जो कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तुम्हारे लिए स्यूडो फोर्स एक सच्चाई है. तुम्हारे लिए 4800 न्यूटन का ये एक्सप्लेनेशन है. लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा होकर देख रहा है वो कहेगा कि ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करते हुए उसको दिख रही है कि एक्सेलरेट कर रही है. तो वो कहेगा कि टेंशन फोर्स एमजी फोर्स से ज्यादा है तभी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है. तो टी माइनस 400 जी शुड बी इक्वल टू एम इनटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. कोई कंफ्यूजन है ही नहीं और उसके हिसाब से 4800 न्यूटन का ये जस्टिफिकेशन है. तो जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर है और जब आप उसके अंदर हैं तो आपके ऑब्जर्वेशन में ये डिफरेंस आएगा. लिफ्ट के केस में आप कहेंगे कि ये तरीका जब समझदार लोगों के लिए काफ़ी है तो हम इसे क्यों सोचें. बिल्कुल नहीं सोचो. लेकिन अगर इसी केस को हम थोड़ा सा बदल दें और वेइंग मशीन रखकर तुम्हें खड़ा कर दें लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट एक्सेलरेट करें, अब तुम्हारा वेट रुकी हुई लिफ्ट में कुछ और आएगा और एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में कुछ और आएगा. तब तुम आसानी से नहीं बता पाओगे कि मेरा वेट क्यों बदल गया. तब तुमको ये बात फील होगी कि लगता है कि मेरे ऊपर कोई और फोर्स भी एक्ट कर रहा है नीचे की ओर. तो पहले हम इस वाले केस को कर लें, उसके बाद हम एक वेइंग मशीन रख कर उसको भी करते हैं. तो For a person who is inside the lift and for a person who is outside the lift, ये calculation note कर लो. धीरे धीरे तुमको ये बातें समझ में आने लगेंगी, feel होने लगेंगी. तो अब हम next case, fourth case लेते हैं. Now in fourth part, again tension is in upward direction, gravitational pull is in downward direction. 4000 न्यूटन बट दिस टाइम दिस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन साइड द लिफ्ट, फॉर हिम देर इज अ स्यूडो फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. इट्स एम इन टू ए. That is 400 into acceleration 2. So for a person who is inside the lift, we will write it here only. Tension plus MA is balancing 400 G. That is why for him lift is at rest. So tension is equal to 400 G or MG minus MA, that is 4000 Newton minus 800, that is, this is, so answer is 3200 Newtons. But for a person who is standing outside, for him, gravitational pull is stronger than tension force. And he will say that 4000 newtons or 400 G minus mg minus T is equal to m into A. M into A is Newton's second law. Net force is equal to m into A. Net force for him is mg minus tension. And then he will say that this net force is equal to m into A. So tension is equal to 4000 minus this is 800.
सो इट इज 3200 न्यूटन. सो फॉर द ऑब्जर्वर इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट द ऑब्जर्वेशन विल बी एक्सप्लेन्ड डिफरेंटली, रिजल्ट भी फर्क हो रहा है. ठीक, तो अब हम उस केस पर चलते हैं जिसमें हम ज्यादा फील कर पाएंगे कि क्यों अंदर वाले ऑब्जर्वर को इस MA की जरूरत महसूस होती है. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 में एक 60 kg का आदमी है जो एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है और लिफ्ट G/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है. तो आपको बताना है रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन. और इसके अलावा ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 15 में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, अगर G/2 एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है, डिफरेंट केसेस में वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ. अब हम सबसे पहले वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस एक्टिविटी को तुम अपने घर पे कर सकते हो. अगर कभी भी तुम वेइंग मशीन को ऐसी सरफेस पे रखोगे जो अनइवन है, जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो रीडिंग हमेशा अलग आएगी. तो सोचने वाली बात है कि तुम्हारा वेट तो नहीं बदलता. फिर रीडिंग अलग अलग जगह वेइंग मशीन को, सेम वेइंग मशीन को अलग अलग जगह रखो तो अलग क्यों आती है. उसकी वजह यह है कि अगर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ज़मीन पर तुमने अपनी वेइंग मशीन को रखा तो वेइंग मशीन पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो ही तो रीडिंग देंगे ना. तो देखो, तुम्हारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है MG, और क्योंकि तुम वेइंग मशीन को अपने वेट से नीचे की ओर पुश कर रहे हो तो वेइंग मशीन तुमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगाएगी, R N. अब अगर ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है तो जो नेट फोर्स तुम्हारे ऊपर एक्ट कर रहा है वो R = mg होगा. तो रिएक्शन फोर्स जो तुम पे लग रहा है वो = mg होगा. अब असलियत ये है कि वेइंग मशीन को तुम्हारे वेट से कुछ लेना देना नहीं है. वेइंग मशीन वो रीड करती है जो रिएक्शन फोर्स है. सोचो क्यों. तुमने वेइंग मशीन को जिस फोर्स से नीचे पुश किया वो फोर्स वेइंग मशीन तुम पर रिएक्ट कर देगी. तो जिस फोर्स से तुमने वेइंग मशीन को नीचे पुश किया है वेइंग मशीन उससे यहां पर पढ़कर बता देगी. अगर तुमने R फोर्स से वेइंग मशीन को नीचे की ओर पुश किया है तो वेइंग मशीन इक्वल फोर्स से तुमको ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और वेइंग मशीन असल में तुमको उस वही फोर्स पढ़ के बताएगी जिस फोर्स से तुमने वेइंग मशीन को नीचे की ओर फोर्स लगाया. तो असल में वो MG नहीं पढ़ती है, वो पढ़ती है R. तो R की वैल्यू हमेशा हमको निकालनी होगी जब कभी भी क्वेश्चन वेइंग मशीन का होगा. ठीक है, तो यहां पर अगर बिल्कुल सिंपल केस है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यू शुड बी 0, और वी कैन से R शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि तुम रेस्ट पर हो तो जो फोर्स ऊपर लग रहा है और जो फोर्स नीचे लग रहा है वो बराबर होने चाहिए, अपोजिट तो है ही. तो रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू MG. तो अब अगर 60 kg वाले आदमी की बात करो तो R इज इक्वल टू 60 × 10, दैट इज 600 N. तो वेइंग मशीन अगर केजी में पढ़ेगी तो वो पढ़ेगी 60 kg फोर्स, इतना वेट वो पढ़ देगी, क्योंकि R की वैल्यू यहां पर सिंपली MG है. लेकिन अगर तुम अपने घर के बाहर जो स्लोप बना होता है ना, जिससे हम कार को ऊपर की ओर आराम से ले जा सके रोड से, और तुम्हारे घर के अंदर ले जाने के लिए इस तरह से स्लोप बना होता है, आप अपनी वेइंग मशीन को वहां पे रख दो और उस पर खड़े होकर देखो, आपकी रीडिंग अलग होगी. क्यों अलग होगी? क्योंकि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, और जो MG साइन थीटा है वो वेइंग मशीन को
फोर्स लगाने में बिल्कुल रोल नहीं प्ले कर रहा है। ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट, तुम फील करो कि तुम इस फोर्स से, तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में वेइंग मशीन को लगेगा। अब ग्रेविटेशनल पुल पूरा का पूरा वेइंग मशीन पर नहीं लग रहा तुम्हारी वजह से, इतना फोर्स तो वेइंग मशीन पे लग ही नहीं रहा है, तुम वेइंग मशीन को इस फोर्स से नीचे की ओर पुश कर रहे हो। ये कौन सा कंपोनेंट है? एम जी कॉस 60, क्योंकि अगर ये इंक्लिनेशन 60 हो तो एम जी कॉस 60 फोर्स से तुम नीचे की ओर इसको वेइंग मशीन को पुश कर रहे हो। एम जी कॉस 60 अगर 60 केजी वाले मैन के लिए रखो तो 600 अपॉन कॉस 60 इज 1/2, दैट इज इट इज 300 न्यूटन और 30 केजी वेट। तो अगर ये आदमी इस तरीके के एक इंक्लिनेशन पर खड़ा हो तो इसकी रीडिंग 60 केजी वेट की जगह 30 केजी वेट पड़ेगा ये वेइंग मशीन। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने इस फोर्स से वेइंग मशीन को पुश किया है नीचे। तो जिस फोर्स से वेइंग मशीन को इसने नीचे की ओर फोर्स लगाया वही वो पढ़ लेगा। और अगर तुम इस आदमी पर फोर्सेस देखो तो क्या होंगे? ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड होता है तो उसका ये वाला पार्ट इस पर इधर की ओर लगेगा, और रिएक्शन फोर्स आर नॉर्मली टू द सरफेस होता है हमेशा। वेइंग मशीन अगर ये है इसकी सरफेस तो अपने नॉर्मल इस आदमी पर ये फोर्स लगाएगी। तो असल में इस आदमी को जो फोर्स नीचे की ओर इस समय पुल कर रहा है इस सरफेस के अगेंस्ट, वो एम जी कॉस 60 है, और वो ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करके वेइंग मशीन रिएक्ट करती है अपनी सरफेस के ऑपोजिट नॉर्मल डायरेक्शन में। तो R इज इक्वल टू एम जी कॉस 60 हेयर, R इज इक्वल टू एम जी कॉस 60 इंस्टेड ऑफ एम जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेइंग मशीन की रीडिंग के लिए हमेशा हमको रिएक्शन फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम ये बात समझ गए हैं कि रिएक्शन फोर्स ही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। तो कोई भी केस हो, बस हमको रिएक्शन फोर्स पे फोकस करना होगा कि रिएक्शन फोर्स कितना है। तो जब लिफ्ट रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, या तो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है, कोई भी केस हो, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन विल बी जीरो। तो ये आदमी एम जी फोर्स ग्रेविटी की वजह से एक्सपीरियंस करेगा, और रिएक्शन फोर्स जो इस वेइंग मशीन का है वो ऊपर की ओर, और नेट फोर्स विल बी एम इंटू ए। रेस्ट पर है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो नेट फोर्स आर माइनस एम जी या एम जी माइनस आर, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू एम इंटू जीरो। तो आर इज इक्वल टू एम जी, यानी जो भी उसका एक्चुअल वेट है वो ही रिएक्शन फोर्स है, उसी फोर्स से आदमी ने वेइंग मशीन को नीचे की ओर पुश किया था और वेइंग मशीन ने इक्वल फोर्स से उसे रिएक्ट किया था, और आर इज इक्वल टू एम जी, जो उसकी एक्चुअल मास है, एक्चुअल वेट है, वो वेइंग मशीन रीड कर देगा। लेकिन यहाँ पर जी बाई टू ऊपर की ओर लग रहा है। अब अगर तुम स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस मतलब स्यूडो फोर्स को कंसीडर ना करो, तब तुम इसकी इक्वेशन को कैसे देखोगे? लिफ्ट के अंदर तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो, तो तुम्हारा अगर वेट 60 केजी है तो वेइंग मशीन को 60 केजी रीड करना चाहिए। तो वेइंग मशीन पे तुमने लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पे तुम खड़े हुए और तुमने कहा कि मेरा वेट है 60 केजी तो इसको पढ़ना चाहिए 60 केजी वेट। अब तुमने अपने दोस्त से कहा कि भाई पढ़ो रीडिंग कितनी है, रीडिंग उसने पढ़ी तो आया 90 केजी।
तो अब तुम सोचोगे कि ये कैसे हो गया, अब तुम 90 केजी को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तुमको स्यूडो फोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तुम्हारे हिसाब से एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा था, तुमने उसी फोर्स से वेइंग मशीन को नीचे धक्का दिया। तुम्हारे हिसाब से तुमने अपने वेट के बराबर वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगाया नीचे की ओर इस तरह से, और इक्वल फोर्स से वेइंग मशीन ने ऊपर की ओर फोर्स लगा दिया। तो अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि R इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूं, मैं रेस्ट पर हूं, तो R इज इक्वल टू एम जी। तो वेइंग मशीन को पढ़ना चाहिए 60 के जी वेट, लेकिन आया 90 के जी वेट। तो तुमको लगा कि ये तो एम जी प्लस एम जी बाई टू पढ़ रहा है, यानी अगर एम जी में आप ये स्यूडो फोर्स एम ए नीचे की ओर लगा दो, एक्सिलरेट लिफ्ट ऊपर कर रही है, आप नीचे की ओर स्यूडो फोर्स लगा दो अपने ऊपर, अपने ऊपर आपको लगेगा कि मेरे ऊपर एक एडिशनल फोर्स लग रहा है, और इस वजह से मैं इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एम जी प्लस एम जी बाई टू फोर्स से इस वेइंग मशीन को धक्का दे रहा हूं नीचे की ओर। इसी वजह से वेइंग मशीन एम जी पढ़ने की जगह एम जी प्लस एम जी बाई टू पढ़ रही है, यानी आपके हिसाब से ये एडिशनल फोर्स जादू की तरह आपके ऊपर लग रहा है। और अगर हकीकत में बताऊं, जी बाई टू एक्सेलरेशन से कोई लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो आप खुद को भारी महसूस करेंगे। एक्चुअली जो पायलट होता है वो जब इजेक्ट करता है एक्सीडेंट के केस में अपनी सीट के साथ एरोप्लेन से बाहर, स्पेशली फाइटर पायलट जब इजेक्ट करते हैं ना, तो वो कई जी का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि इजेक्शन इतनी तेजी से होता है, जीरो रफ्तार पर वो सीट पे बैठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जा रहा है, सीट पे वो बैठा हुआ है, अचानक इमरजेंसी आई और पायलट ने खुद को इजेक्ट किया, विद इन नो सेकंड जीरो से वो एम इंटू ए की फोर्स के, मतलब विद इन नो सेकंड वो काफी तेजी से ऊपर की ओर इजेक्ट होता है, यानी एक्सिलरेट करता है बहुत तेजी से, 2G 3G के फोर्स से या उससे भी ज्यादा, और वो उस फोर्स की वजह से बाहर निकलकर जिंदा तो बच जाता है, लेकिन वो जो उसने एडिशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया उससे उसकी जो हड्डियां हैं वो टूट जाती हैं। तो ये स्यूडो फोर्स का जो एक्सपीरियंस करना है, इसे आप मानो या नहीं मानो, यहां पर आपको स्यूडो फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप खुद को समझा पाओगे कि कैसे तुम्हारा वेट 60 केजी से 90 केजी इस केस में हो गया, जबकि बाहर जो आदमी खड़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसके लिए वो कहेगा कि आप रुके कहाँ हो, आप खड़े कहाँ हो, आप तो ऊपर जी बाई टू से जा रहे हो लिफ्ट के साथ। तो ऊपर की ओर आर, नीचे की ओर एम जी, नेट फोर्स इतना, और ये इक्वल टू एम जी बाई टू। तो आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम जी बाई टू। तो वो कहेगा भैया आर तो एम जी प्लस एम जी बाई टू है, तो ठीक तो आ रहा है, रिएक्शन फोर्स तो 3/2 एम जी है, लेकिन जब आप इसके अंदर खड़े हैं लिफ्ट के अंदर, तो ना आप खुद को समझा पाएंगे कि 90 के जी वेट कैसे हुआ, ना आपका दोस्त, जब तक आप ये नहीं मानोगे कि एक एडिशनल एम जी बाई टू ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट लग रहा है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होने पर आप स्यूडो फोर्स से ही बिहेवियर को समझा पाते हो खुद को। तो अब ये दोनों, फॉर द ऑब्जर्वर एट ग्राउंड एंड फॉर द ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट, ये दोनों केसेस के लिए जो इक्वेशन बन रही है उसे लिख लो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे।